डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द बोन मिनरल होमियोस्टेसिस ठीक है बोन बेसिकली एक डायनामिक टिश्यू है जिसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं एक ये रिजर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को और एक कैल्शियम पूल होता है ठीक है अब जो दो प्राइमरी मिनरल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कि बोन की रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए वो हमारे पास कैल्शियम है और फॉस्फेट है और जो तीन हार्मोन रिक्वायर्ड होते हैं बोन मिनरल होमियस्टाइसिस मेंटेन करने के लिए वो पैराथायरड हार्मोन है वाइटामिन डी है कैल्सिटोनॉन है ठीक है अब हम इन हार्मोन्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हार्मोन जो है वो दैट इज अ पै पैराथायर हार्मोन पैराथायर्ड हार्मोन जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम ये पॉलीपेप्टाइड होता है ठीक है और हमें पता है कि वो किस तरह के बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में डिपॉजिट करवाता करुण है और ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए पैराथराइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा ज़्यादा कैल्शियम जो है वो ब्लड बोन से ब्लड में जाता जाएगा तो बोन में कैल्शियम डेफ कम हो जाएगा जिसकी वजह से बोन जो है ब्रिटल हो जाएंगी और बोन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा इजी फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा लेकिन जो नॉर्मल हमारे पास पैराथराइड जो हार्मोन है उसका जो रिलीज़ है वो बोन की सेंथिसिस को इंक्रेज कर रहा होता है बोन की रीमॉडलिंग को इंक्रेज करा रहा होता है लेकिन हमारे पास डी वाइटामिन तो तो ले रहे हैं, कर रहे हैं उसको एब्सार्ब कर इंटेस्टाइन इन टू द ब्लड स्ट्रीम साथ में दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है कैल्शियम ठीक है का इफेक्ट क्या हो रहा होता है कि बोन की फॉर्मेशन को इनहस कर रहा होता है और यह डायरेक्टली सप्रेस कर रहा होता है रिलीज को सेंटिस को ऑफ द पैराथाइर हार्मोन हमारे तो पास कैल्सिटन है कैल्सिटनॉन जो है वो फिजोलॉजिकल इंटेगेस्ट है पैराथायर हार्मोन का जो पैराथायर हार्मोन काम कर रहा होता है उसके ऑपोजिट कैल्सिटनॉन काम काम कर रहा होता है अब जिस तरह ही हमारे पास एक नॉर्मल होमियोस्टेसिस मेंटेन होता है ब्लड कैल्शियम लेवल का अब जिस तरह ही ब्लड कैल्शियम लेवल जब देड़ 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 तो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है ब्लड में कैल्शियम लेवल तो हमारे पास पैराथायर हार्मोन रिलीज होता है वो बोन से कैल्शियम ब्लड में डिपॉजिट करता है और ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देता है लेकिन जब ये कैल्शियम लेवल एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास रिजल्ट जो थारॉय ग्लैंड है वो कैल्सिटोनॉन रिलीज करता है ये ये क्या करता है? करता है है कि ब्लड से कैल्शियम लेके बोन में डिपॉजिट और ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको डिक्रीज करता है ताकि एक नॉर्मल कैल्शियम ब्लड होमियोस्टैसे में पिक्चर में जो है वो बेसिकली कैल्सिटोनॉन के जो है वो चार रोल्स बताए हुए हैं थायरॉड ग्लैंड कैल्सिटोनॉन रिलीज कर रहा है वो किडनी पैक कर रहा है वो बोन पे वो इंटेस्टाइन पे वो ब्लड वेसल्स पेक कर रहा है ब्लड में क्या कर रहा है कि वो हमारे पास कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो कम कर रहा है इंटस्ट में एड कर रहा है इंटस्टाइन पे एग करके क्या कर रहा है कि वो जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो रही है कैल्शियम की उसको डिक्रीज कर रहा है और जो हमारे पास बोन्स पे एग कर, 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 कर रहा है बोन्स पे क्या करवा रहा है बेसिकली डिपोजिशन करवा रहा है कैल्शियम आइन इंटू द बोन्स ठीक है और किडनी पे एग करके क्या करवा रहा है कि वो कैल्शियम आइन की जो रीअब्जॉर्पन है किडनी से वो हमारे पास उसको इनिबिट करवा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा इन द Please subscribe my channel, like my video, and also share it. And also follow my Instagram page that is Medicine All In One. Thank you.